सरकारी सस्ते गल्ले के चने से भरी पिकअप पकड़ी। चने की पिकअप लेकर पिकअप चालक फरार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही देश में लाख कानून व्यवस्था सुधारने के बड़े बड़े वादे क्यों ना कर ले, लेकिन वह इस सरकार के वादे धरातल पर फेल नजर होते आ रहे हैं और सरकार के ही कुछ अधिकारी कालाबाजारी करवाने में जुटे हुए हैं। सरकार की सारी योजनाओं के वादों पर अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं और सरकार की सारी नीतियों को फेल करवा रहे हैं। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर तिराहे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सरकारी गल्ले के चने से भरी पिकअप को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने पकड़ लिया और सरकारी सस्ते गल्ले से भरे चने की पिकअप को पकड़कर अपने कार्यालय पर खड़ा कर लिया। पिकअप चालक से जब बात की गई तो पिकअप चालक ने बताया कि जब से भारत में लॉकडाउन व कोविड-19 की महामारी चालू हुई है, तब से मैं यह कालाबाजारी कर सरकारी सस्ते गल्ले के चने को डीलरों दुकानदारों से खरीद कर बेच रहा हूं और अपनी ही पिकअप में चोरी छिपे ज्यादा रेटों में एक चंदौसी की आड़त पर बेच कर इस चने को आता हूं। जिसके चलते आज मुखबिर ने भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय महासचिव को सूचना देकर इस कालाबाजारी करने वाले पिकअप चालक को वीरपुर थाना गाँव करनपुर रोड से पकड़वा कर पिकअप को कार्यालय पर एक साइड से खड़ा करवा दिया, जिसके चलते वह सरकारी सस्ते गल्ले चने की कालाबाजारी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय महासचिव को चकमा देकर चने से भरी पिकअप को लेकर मौके से फरार हो गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव ने काफी दूर तक पिकअप चालक की तलाश की, लेकिन वह पिकअप चालक अपनी पिकअप और सरकारी गल्ले के चने को लेकर फरार हो गया। जिसमें राष्ट्रीय महासचिव का कहना है कि अब इन सरकारी गल्ले की दुकान व कालाबाजारी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और प्रशासन को यह सब कालाबाजारी करने वाले मामले बताकर अवगत कराया जाएगा। वीरपुर के कोठेदार डीलर से लिया है ना? कितना रुपए किलो के लिया है? 42 रुपए किलो लिया। कितना? 7 क्विंटल। 7 क्विंटल एक कोठा डीलर से, वीरपुर वाले से? किसे लाके दिया? अरे हमें क्या मतलब, कोठा डीलर ने दिया ना, और किससे लाया? और आठ पैसे झूठ बोला फिर, मतलब फिर झूठ बोल रहा है। खड़कपुर से किससे लिया? इरशाद से। कितना? इरशाद डीलर है। 3 कट्टे बोल दिए हमने। अच्छा, कैरेट दिया? 40 रुपये। अच्छा, बाकी और किससे लिया? और बाकी इससे लिया अनिप से। अनिप कौन है ये? भोजपुर में आड़त पे से। अच्छा, वो उस पर कहाँ से आया? उसके आड़त पे मान ले गया वो कोठे वालों से। कोठेदारों से? अच्छा, और आड़त पे से लिया। ये भी कोठेदारों से लेते? हाँ। अच्छा, और इससे पहले कितने बार माल डाल चुका है? एक बार। झूठ नहीं, सबकी फिल्म तेरी पीछे से सब गाड़ी की फिल्म लगी है, मगर तूने गाड़ी भागी इतनी है कि तू हाथ नहीं आ पाया। मैं एक ही बार ले गया। ना ना, सच बता बिल्कुल। हमसे एक ही बार ले गया। और आज के बाद देखे मत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानू रामपुर से हूँ। अच्छा, आपने पिकअप पकड़ी थी चने की गल्ला विक्रेता वाली, क्या पूरा मामला है और कितने चना उस पिकअप में सवार था, लेकर जा रहा था, कहाँ बेच रहा था? कल राष्ट्रीय महासचिव जी के यहाँ दलपतपुर में एक हमारी आपसी मीटिंग थी, जिसे लेकर हम दलपतपुर आ रहे थे। तो रास्ते में किसानों का एक बहुत बड़ा धरना भी था, बाकी कुछ साथी हमारे वहाँ भी बिजी थे। जब यहाँ हम पहुँचे तो हमें सूचना मिली कि वीरपुर साइड से एक पिकअप जो डीलरों को माल दिया जाता है गरीबों को बांटने के लिए, उस माल को ले लाद कर चंदौसी बेचने जा रही है। जब यहाँ से 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और पिकअप को रोका, वो बात सच निकली। उस पिकअप को लेकर कार्यालय आ गए। जब कार्यालय आए और उस ड्राइवर से पूछताछ की, वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीडियो के जरिए वीडियो बनाई, जब उससे जानकारी ली तो वो बात सच निकली। और उसके बाद कुछ लोग हमारे धंधे में व्यस्त थे और हम यहाँ जब बातचीत करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, अधिकारियों को सूचित नहीं कर पाए उस टाइम, क्योंकि वो धंधे में बिजी थे बहुत। उसी बीच लेकर ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिसकी वीडियो भी हमारे पास है, गाड़ी नंबर हमारे पास है और बाकी भी बहुत सारी उसने जानकारी दी, जिन जिन कोठे डीलरों से वो माल लेता है, जिन्हें जहाँ बेचता है, वो सब उनने बताया। लगभग कितना चना था उसकी कम का? चना 20 से 30 क्विंटल तक लगभग माल था, क्योंकि पिकअप पूरी फुल थी। चना किस चीज़ का था वो, कौन सा चना था? चना वो था जो गरीबों को बांटने के लिए सरकार मुफ्त दे रही है, इस लॉकडाउन को देखते हुए सरकार जो मदद कर रही है गरीबों की, कहीं ये भूखे ना रहें, वो चना था। लगभग कितने डीलरों से उसने खरीद रखा होगा? 5-7 डीलरों का तो उसने नाम ओपन कर दिया है वीडियो में, बाकी और
जितना है वो बताएगा आप आगे। क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं आप अपनी संगठन के माध्यम से? हम चाहते हैं प्रशासन को, हमने सारे प्रशासन को रजिस्ट्री करा दी है और LIO को अवगत करा दिया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करे, जिसका जो हक होता है मिलना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है उसकी दुकान में जो तेल होता है खाने का उसमें भी? हाँ, ये भी बताया है कि वो जितना तेल बेचता है वो भी सब बना कर बेचता है। अच्छा स्मगलर है वो। कितने लोग थे इस काम को अंजाम देने में? 3-4 लोग तो थे, वो एक पिकअप से था, बाकी 2-3 मोटरसाइकिल से उसके आगे पीछे थे। हम उन लोग को समझ नहीं पाए, कुछ लोग हमारे पास बातों में रहे और बाकी लेके पिकअप निकल गए। जिस तरीके से गरीबों के हक पर डाका मार रहे हैं सरकार और प्रशासन कोई गौर नहीं दे रहा है, सरकार ने तो नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन क्या अधिकारी अब संज्ञान लेंगे? लेना तो चाहिए, और नहीं लेंगे तो फिर हम रोड पर दोबारा आएंगे। अधिकारी अगर नहीं इस पर कोई ध्यान देते हैं तो हम फिर दोबारा रोड पर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु पूरी तरीके से ताकत लगाएगी इस पर, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम कर देंगे। जो डीलर ये चना बेच रहे हैं उन डीलरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करानी चाहिए? उनके कोठे निरस्त होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। कहाँ कहाँ लिखित रूप में तुमने अपने संगठन के माध्यम से? हमने जितने भी बड़े अधिकारी थे सारों को डाक के द्वारा सूचित कर दिया है, LIO को भी डाल दिया है। थाने में कोई तहरीर दी है? नहीं, थाने में कोई तहरीर नहीं दी, क्योंकि थाने से कोई इसका मैटर नहीं है।